भारत को मंदिरों का घर कहा जाता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भेंट चढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब प्रसाद लेने की बारी आती है। आप लोग को भी होती है ना? हर मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल, चना अमृत या मिठाई मिलती है। पर क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है या ऐसी मंदिर देखी है जहां पर प्रसाद के रूप में आभूषण और नगद रुपए मिलते हैं? इस मंदिर में हर साल भारी भीड़ लगती रहती है। भारत के मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर है जहां पूरे साल बहुत भारी भीड़ लगती है और दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन लगती है। यहां पर भक्त करोड़ों रुपए और जेवर चढ़ाते हैं। खासतौर पर तेरस से लेकर दिवाली के दिनों में दर्शन करने आए भक्त जेवर और नोटों की माला माता के दरबार में चढ़ाते हैं। पूरा मंदिर जेवरों और नोटों की माला से सजा होता है। लेकिन साल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों में यहाँ पर कुबेर का दरबार लगता है। इस मंदिर में पैसे और जेवर चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है और सैकड़ों से चली आ रही है। पर इस मंदिर की एक सबसे खास बात है जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग करती है, और वो ये है कि जो भी भक्त दिवाली पर इस मंदिर में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। दिवाली में जो भी जेवर या रुपए प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं उनको सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। इसलिए दिवाली के बाद यहाँ पे लाखों लोगों की लाइन लगती है और दूर दूर से दर्शन करने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ जो भी गहने प्रसाद के रूप में मिलते हैं लोग उन्हें शुभ मानते हैं और उसे खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी तिजोरी या जहाँ वो पैसे रखते हैं वहाँ संभाल कर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि संभाल कर पैसे की जगह रखने से धन की कमी नहीं होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर के बारे में ये है कि जो भी भेंट माता के दरबार में गहनों या नोटों की गड्डी चढ़ाई जाती है उनको रजिस्टर में भक्तों के नाम के साथ नोट किया जाता है। फिर दिवाली के दिन रिकॉर्ड को देखकर भक्तों को उनकी भेंट प्रसाद के रूप में दे दी जाती है। इस मंदिर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, और इसीलिए यहाँ पर जेवर और रुपए प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत देश में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ पर सोने चांदी के आभूषण, हीरो जवाहरात व नगद राशि से महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि आज तक भक्तों के द्वारा लाए गए लाखों के आभूषण इधर से उधर नहीं हुए हैं। एक समय के बाद भक्तों को ये वापस कर दिया जाता है। और दोस्तों, रतलाम में निवास कर रहे बड़े बुजुर्गों की माने तो कहते हैं कि देवी लक्ष्मी साक्षात इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना जब रतलाम की स्थापना हुई थी तभी हो गई थी। तब से अब तक ये मंदिर और मंदिर में महालक्ष्मी की प्रतिमा विद्यमान है। और अगर वहाँ के व्यापारियों की माने तो वो कहते हैं कि महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ही रतलाम में व्यापार फल फूल रहा है। अगर प्राचीन समय की बात करें या वर्तमान की, तो रतलाम व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सुलभ स्थान है। माणक चौक में महालक्ष्मी की प्रतिमा में दो स्वरूपों के दर्शन भक्त करते हैं। महालक्ष्मी के पास दाहिनी तरफ भगवान गणेश और बाईं तरफ माँ सरस्वती विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूरी है। वहीं लक्ष्मी की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य में बुद्धि असंतुलित हो जाती है, इसलिए बुद्धि के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूरी है। ये मंदिर अपने आप में ही बहुत खास है। यहाँ करोड़ों की सजावट के अलावा माता की प्रतिमा का अपना महत्व है। मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तो एक है, मगर उस प्रतिमा में माँ लक्ष्मी के दो स्वरूप गजपति और धनपति के दर्शन होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा।